बारे में थोड़ा बताएं। आज हमारे गुरु जी ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी महाराज, उनका 84वां जन्म दिवस है। हर साल हम उनका जन्म दिवस मनाते 11 जनवरी को। 10वीं को रामायण पाठ रखते हैं, 11 को उसकी पूर्णा होती है, क्योंकि एक विद्यालय इसमें बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं। मेन उनके जन्मदिन का यही उद्देश्य है कि जो उन्होंने हमें शिक्षा के माध्यम से बच्चों को संस्कार देने को कहा वो हम देते हैं। वो एक सिद्ध योगी थे, उनकी 100 के लगभग बुक्स लिखी हुई हैं, और उन्होंने 25 वर्ष तक विदेशों में काम किया है। हमारे बाहर भी आश्रम है, इंग्लैंड में, कैनेडा में, हॉलैंड में, अमेरिका में, सूरीनाम में, मेरा। और उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को बताया कि एक साइंटिफिक वे से हम जो भी करते हैं इसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है। जैसा कि आसमान देख रहा है या दुनिया देख रही है, अभी पिछले दिनों रिसर्च हुई थी कि जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं 6 महीने में उनकी बुद्धि का विकास होता है। तो ये चीजें तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले दी हुई है। तो वो एक तत्वदृष्टा ऋषि थे, सिद्ध योगी थे, अपनी बॉडी और स्पिरिट को अलग कर लेते थे। तो उन्होंने 3 चीजें ली, शिक्षा, साहित्य और सत्संग। तो उसी के माध्यम से हमारे इंडिया में लगभग 30 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में संस्कार डालें और सोसाइटी को हम अच्छे नागरिक दें। जैसे कि एकमात्र विद्यालय है पूरे उधमपुर में जो इस तरह की संस्कृति अपने बच्चों को धरोहर प्रदान करता है, क्या मानना है आपका कि जो बच्चों के माता पिता हैं वो कितना इसको आगे लेके आना चाहेंगे, वो कितना ज्यादा अपने आप गर्वांगित महसूस करते हैं जब इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? पहले तो जो मैं पेरेंट्स देखती थी वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे, अब भी हैं पेरेंट्स, लेकिन थोड़े से आज आप जैसा जानते हैं समाज थोड़ा मॉडर्न हो रहा है, लेकिन फिर भी जब हम उनको बुलाते हैं तो खुश होते हैं। पिछले दिनों मैंने छोटे बच्चों की पीटीएम की, उनको मैंने बताया कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें पता ही नहीं। मैंने कहा जब बच्चे घर में मंत्र बोलते हैं तो आप सुनते नहीं हैं। खुश तो हुए, लेकिन जितना मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी उतना ही कोऑपरेट करें, क्योंकि आज समाज में हम देख रहे हैं कितनी बुराइयाँ फैली हैं, स्पेशली गर्ल्स जो कुछ हुई है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, लेकिन यही है हमारा उद्देश्य कि हम इनको सही दिशा दें। और स्कूल में, घरों में आज बच्चों को दिशा नहीं मिल रही है, यही कारण है कि आगे जाकर वो सुइसाइड करते हैं। लेकिन बचपन से ही जो हमारी संस्कृति है यही सिखाती है कि आप अपना कल्याण करो और साथ में एक सुंदर समाज का निर्माण करो। यही हमारा प्रयास है कि बच्चे अपनी भी लाइफ को अच्छा बनाएं और आगे जाके समाज को भी अच्छा बनाएं।